हम बात कर रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, गिरावट आ रही थी, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 19.80 रुपये और 20 रुपये के लेवल को तगड़े रेजिस्टेंस के तौर पर, जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के चांस बने हुए, ऐसा हमने डिस्कस किया था। हम देख सकते हैं 20.40 रुपये की लेवल से स्टॉक में एक जंप आया 21 रुपीज़ तक का। वहाँ से अगेन छोटी मोटी गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो लगातार तेज़ी, जंप आया था 22 रुपये का जो लेवल है 22 रुपीज़ का लेवल, इससे पहले भी उसी के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया था। सेम लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया और गिरावट दिखाई, लेकिन इस गिरावट के साथ बड़ी गिरावट हमको देखने के लिए नहीं मिली। स्टॉक 20.40 रुपये 20.50 रुपये की लेवल से बाउंस बैक हो रहा है, तो आपने इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। नीचे की ओर तगड़ा सपोर्ट जिसको हम डिस्कस कर चुके 20.80 रुपये का लेवल रहेगा। ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 18.70 रुपये तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है। अब बात करते हैं टारगेट की, तो इमीडिएट टारगेट रहेगा अपना 21.50 रुपये। इसको ब्रेकआउट कर गया 21.50 रुपये, इसको ब्रेकआउट कर गया तो 22 रुपये का लेवल जो इसका रेजिस्टेंस है, जहां से इससे पहले स्टॉक ने दो दफ़ा सेलिंग दिखाई है। अगर इस लेवल से बड़ा सेलिंग नहीं आता और स्टॉक इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसी कंडीशन में फिर और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर हमको 24.50 रुपये तक का भी जंप, 24.50 रुपये तक के भी टारगेट ओरिएंट ग्रीन पावर दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।